हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की चर्चाएं चल रही हैं और इस बीच शहर के पेट्रोल पंपों पर किसानों की भीड़ लग गई है। काफी तादाद में किसान अपने ट्रैक्टर और ड्रम लेकर डीजल भरवाने के लिए पहुंचे। ऐसे में उन्हें पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के लिए इंतजार करना पड़ा। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच कई दिन से चल रहे युद्ध के चलते और यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी होने के बाद अब लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की आशंका बनी हुई है। एकदम इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई है, एक ज़मींदार है जिसको 200 लीटर की जरूरत होती है, पर वो पूरे जीरे के सीज़न का तेल लेके जा रहा है, यानी वो 1000 लीटर तेल लेके जा रहा है, तो इस वजह से दिक्कत आ रही है। और दूसरी समस्या ये है कि रिफाइनरी में जहाँ से तेल आता है वहाँ पर गाड़ियों की शॉर्टेज हो गई है, तेल ही नहीं, हमें भी टाइम पर तेल नहीं मिल पा रहा। ज़मींदारों को खतरा है कि यहाँ पर भी तेल का रेट 20 या 25 रुपये के आसपास बढ़ेगा। पहले जिमीदारों ने डीएपी की मार झेली थी क्योंकि इन्होंने कई कंपनियां बंद की, कंपनियां बंद करने के कारण डीएपी का भी बहुत शॉर्टेज रही और डीएपी नहीं मिल पाया, और इसी प्रकार यूरिया की मार झेलनी पड़ी। अब जिमीदार को खतरा है कि हम आगे सीजन आ रहा है, इस सीजन में मशीनरी ज़्यादा उपयोग की जाती है, मशीनरी में तेल लगेगा।